अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मैं भी जी अलहमदल काफ़ी हद तक जो है बेहतर हो चुकी हूँ और अभी सुबह सुबह जी नाश्ते का टाइम हो रहा है तो नाश्ते में आज मैंने सिंपल सा नाश्ता लिया क्योंकि जब से बीमार हुई थी यकीन करें कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो खाने को दिल नहीं चाहता तो बस हल्का फुल्का से जो है आज नाश्ता जो है वो मैं कर रही हूँ एक मैंने हाफ बॉइल एग ले लिया है और साथ में थोड़ी सी मैंने दूध पत्ती बना ली थी और एक स्लाइस जो है ब्रेड का ले लिया था उसमें मैंने जैम लगा लिया था तो आज जो है ना तबीयत कुछ बेहतर थी तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी अच्छा जी ये व्लॉग जो है ना हाशिर की बर्थडे से एक दिन पहले का व्लॉग जो है वो मैंने शूट किया हुआ है तो सोचा कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर दें क्योंकि कल हाशिर की है बर्थडे तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगी तो आज दोपहर में हल्का फुल्का सा बस यहाँ पे चिकन पुलाव जो है वो बना रही हूँ थोड़ा सा ही बनाऊँगी जो कि हम सबको घर वाले जो है दिन में खा लेंगे तो साथ में मैंने दिन में जो है सुबह के टाइम पे वॉशिंग मशीन लगाई थी और अच्छा ही हो गया था वॉशिंग मशीन लगा ली थी क्योंकि उससे नेक्स्ट डे जो है मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे ये मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए हुए हैं आप लोगों के लिए ताकि क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी ना जिसकी याद नहीं है एक तो जब से बीमार हुई थी कोई घर की क्लीनिंग वगैरह जो है ना वो बिल्कुल जिस तरह से मैं दिल से करती थी ना उस तरह से हो पा ही नहीं रही थी और क्लीनिंग भी इतनी अच्छी खासी जो है वो मुझे करनी थी तो मैंने सोचा कि बर्थडे से पहले ना सबसे पहले जितने घर के कपड़े वगैरह हैं वो सारे वॉश कर लूँ बच्चों के तक के कपड़े वगैरह धुले हो ना तो एक बहुत बड़ा जो स्यापा होता है ना वो सर से ख़त्म हो जाता है तो कपड़े वगैरह धोने के बाद जो है मैंने दिन में यहाँ पे फिर प्लाउज़ के बाद बनाया तो उसके बाद मैं सारा शेड्यूल वगैरह भी साथ में बना रही थी कि मैंने बर्थडे पे से पहले पहले मैंने जो जो काम करने हैं वो किस तरह से मैनेज करने हैं किस किस काम को मैंने कौन कौन सा टाइम देना है वो सारे यहाँ पर मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि जी आपको पता है कि जब आपके घर पे किसी को आप लोगों ने इनवाइट किया होता है तो उसको आपने फ़ुल टाइम देना है उनको भी गेस्ट को भी जो है फुल टाइम देना है उनको हर चीज़ जो है प्रॉपर जो है वो मिलनी चाहिए तो बस जी अभी रात का टाइम हो रहा है और यहाँ पे अभी मैं ले रही थी मेडिसन और बच्चों को भी साथ में दे रही थी मेडिसन क्योंकि बच्चों की भी तबीयत आपको पता है मेरे साथ बहुत ज़्यादा ख़राब थी अभी प्रॉपर मुकम्मल तौर पर तो हम लोग ठीक नहीं हुए लेकिन फिर भी ना काफ़ी हद तक आज बेहतर थे अच्छा मैंने वॉशिंग मशीन लगाई दिन में खाना वगैरह बनाया साथ में मैंने ना आज बच्चों को शावर भी दिलवा दिया था और ख़ुद भी जो है ना शावर ले लिया था क्योंकि नेक्स्ट डे जो है बर्थडे है तो फिर इतना ज़्यादा काम कल के लिए भी होगा तो फिर मैंने कहा कल हमें टाइम नहीं मिलेगा कि हम लोग जो है ना फिर शावर भी लेते रहेंगे साथ तो एक तो पानी गर्म करने का बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे गैस नहीं देखें मैंने अभी रूम में ना बच्चों के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर भी ऑन किया हुआ है और साथ में मैंने इन्वर्टर ए है वो भी मैंने लगाया हुआ है कि बच्चे जो है ना रूम सही अच्छी तरह गर्म हो जाए ताकि बच्चों को सर्दी दोबारा से ना लग जाए क्योंकि नहाए हुए हैं आज और सर्दी में आप लोगों को पता है बच्चे जब नहा लें तो बच्चों की केयर करना जो होती है वो बहुत ज़्यादा लाजमी होती है सारे काम काज अपनी जगह लेकिन जो है ना एहतियात लाजमी है क्योंकि आज इतने ज़्यादा सब बीमार हो रहे हैं हर तरफ गले ख़राब खांसियाँ बुखार नज़ले ज़ुकाम और ये दिसंबर जो है ना आया हुआ है इसने तो बिल्कुल जो है ना होश उड़ा के रखे हुए हैं और जब मौसम भी ऊपर से ऐसा हो और ऊपर से आप लोगों के घर में कोई इवेंट आ जाए और आप लोगों ने कोई काम वगैरह करना हो और ऐसा और गेस्ट वगैरह ने भी आना हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में देखें सोचें ज़रा आप बंदे की क्या हालत होती होगी काम काजों को देख देख के अच्छा जी ये जो नेक्स्ट बर्थडे से पहले जो मैंने प्रिपरेशन की थी ना मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना मंगवा ली थी और काफ़ी ज़्यादा चक्कर जो है वो बाज़ार के लगे थे और यहाँ पे फिर भी जो है ना चीज़ें कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही थी अच्छा जी यहाँ पे प्लान जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया था पहले हम लोगों ने वेजिटेबल्स वग़ैरह मंगवा ली थी चाइनीज़ वगैरह कुछ करने का इरादा था तो फिर बस इरादा चेंज हुआ तो फिर उसके बाद बिरयानी की तरफ इरादा आ गया था तो फिर इन सारी चीज़ों को स्किप करना पड़ गया यहाँ पे आ, सारी जो चीज़ें मुझे साथ साथ में चाहिए थी ट्राइफल मैंने बनाना था उसके लिए मुझे जेलिस चाहिए थी वो सारी मैंने मंगवा ली थी और ये, ये जो सब्जियाँ आई थी ना ये पहले आ गई थी चने थे वो चने मैंने भिगो के रखने थे रात में क्योंकि सुबह मुझे उनको बॉईल करना था चना चाट के लिए और यहाँ पे अभी रात का टाइम हो रहा था और बच्चों को यहाँ पे मैंने सुला दिया था अच्छा ये व्लॉग आप लोग सोच रहे होंगे कल भी रात को जो है था और आज भी रात के क्योंकि ये दो दिन का व्लॉग इकट्ठा है जैसा कि आपको पता है एक दो दिन से मैंने व्लॉग जो है अपलोड नहीं किया था तो बस ये व्लॉग वगैरह बना रही थी आप लोगों के लिए साथ साथ में शूट कर रही थी बहुत ज़्यादा बिजी थी जिसकी वजह से व्लॉग कल भी नहीं डाल सकी थी बस ये ये बैलून्स थे अच्छा इन बैलून्स का मैं बता दूं ये मेरे हस्बैंड ने जो है भिजवाए थे ए, इसी मंथ में भिजवाए थे एक बंदा आया था दुबई से तो वो उन्होंने पहले ही जो है ना हाशिर की बर्थडे के लिए बैलूस बना भिजवा दिए थे कि जब बर्थडे करोगे इतना तो इस तरह से मेरी तरफ़ से ये बैलून वगैरह भी लगा देना <laughs> तो ये उनके भिजवाए हुए बैलूस का पैकेट था तो अच्छा इतने सारे बैलूस मैंने बनाए हैं रात में तो यकीन करें मुझसे और बन ही नहीं रहे थे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और इनमें हवा भर भर के ना मेरी अपनी जो है जान निकल गई थी और जो पम्प मशीन थी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी अभी इस टाइम पर तो बस मैंने मुँह से ही जो है ना गुब्बारे बनाए हैं इस दफ़ा तो बस इतने ही बना सकी हूँ तो बस अभी इन सब को जो है ना मैं जल्दी से जो है ऊपर चढ़ के यहाँ पे लगा देती हूँ क्योंकि डाइनिंग एरिया वाली साइड की तरफ ही इंशाल्लाह बर्थडे करनी है तो बस वहीं पे लगाऊंगी तो उससे पहले मुझे याद आई अचानक से कि मैंने जो है ना चने नहीं भिगोए क्योंकि सुबह ये मुझे मस्ट चाहिए होंगे तो फिर मैंने जल्दी से किचन में आके पहले मैंने बैलूनस को वहीं पर छोड़ा तो मैंने जल्दी से आके किचन का बाकी सारा काम जो थोड़ा थोड़ा बहुत रहता था वो सारा समेटा इस टाइम पे अभी काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो चुकी है और सारे जो है सो चुके हैं और मैं जो है ना अपने काम काज जो है निपटाने में लगी हुई हूँ अच्छा जी कुछ इस तरह से सिंपल से जो है ना मुझे एक तो जो है ना बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करनी नहीं आती तो बिल्कुल जो है ना सिंपल से तरीके से मैंने इस तरह से बैलून सारे इसमें लगा दिए थे कटर में कुछ पंखे पे लगा दिए थे कुछ लाइटों के साथ लगा दिए थे तो आजकल तो बहुत कुछ जो है ना फेक जो बना रहे होते हैं लोग के, इस तरह नहीं इस तरह करना है इस तरह नहीं कोई थीम वगैरह नहीं रखी थी सारी डिफरेंट थीम थी और जो है ना कुछ इतना कोई कुछ खास स्पेशल जो है ना जिस तरह स्पेशल जो किया जाता है बिल्कुल देसी सी बर्थडे है और ये लो बजट में की जाने वाली बर्थडे है आज इसके मेन्यूज़ वगैरह जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सारे भी बहुत ज़्यादा लो बजट में रह कर आप लोग अपने घरों में किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाके जो है बर्थडे की जाए तभी जो है खुशी पूरी होती है नहीं वो खुशियाँ अधूरी होती हैं वो सब फेक होता है और अच्छा जी यह जी नेक्स्ट डे सुबह सुबह का टाइम और आज है जी हाशिर की बर्थडे और सबसे पहले मैंने सोफ़े कवर्स रिमूव किए हैं यहाँ पे और रिमूव कर रही हूँ और साथ में मैंने अपना व्लॉग लगाया हुआ है टी वी वो भी साथ साथ मैं वॉच कर रही हूँ और बच्चे जो हैं बाहर धूप में बैठे हुए खेल रहे हैं हम लोग सब लोग नाश्ता करके फ्री हो चुके थे किचन सारा मैंने वॉश कर दिया था साफ सुथरा कर दिया था बर्तन वगैरह भी धो दिए थे सारा काम किचन क्लीन कर रही थी तो अब पहले मैंने सोचा कि टीवी लॉन लॉन्च जो है क्लीन कर दूं ड्राइंग रूम से भी मैंने सोफ़ों के कवर्स वगैरह रिमूव कर दिए थे तो इधर से अब मैं रिमूव कर रही हूँ और बस इधर से झाड़ू वगैरह लगाऊंगी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना मैंने यहाँ पे आज सारे फ़र्श वगैरह धोने थे क्योंकि फ़र्श जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके थे मैंने सोचा कि अब मैं झाड़ू के बाद अब मोपिंग करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वेस्ट हो जाएगा इससे बेहतर है कि मैं फ़र्श धो लूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ना जब भी मैं फ़र्श वगैरह या मोपिंग वगैरह के बारे में सोचती हूँ तो मुझे मोपिंग करना इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे फर्श वाश करना अच्छा लगता है तो बस फर्श वाप वाश हो जाए ना तो साथ में जब ऊपर से वाइपर लगाते हैं ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है तो मोपिंग करने का मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता मोपिंग में बार बार जो है ना मोप को धो फिर साफ करो फिर दो फिर साफ़ करो तो बस अभी जहाँ पे मेरे फर्स्ट जाना तकीबा तकरीबन धुलते जा रहे हैं अभी बाय टेरेस सारा मैंने धोना है नीचे वाला कार्पोर्ट का सारा एरिया वॉश करना है कि और उसके बाद ना मैंने भी कुकिंग वगैरह की तरफ भी जाना है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे अपनी दवाओं में याद रखिएगा टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़